एलडीसी के प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने अच्छी तैयारी की होगी और शानदार तैयारी कर रखी होगी। और अभी आपका एग्ज़ाम आ चुका है, बिल्कुल मौके पे एग्ज़ाम है। तो आपका एग्ज़ाम की चार तैयारी रखी गई है आप सभी को, जैसे कि ज्ञात है। और उसमें जो पहली तिथि आपकी रखी गई है वो तो है 12 अगस्त। पहला एग्ज़ाम 12 अगस्त को है, दूसरा एग्ज़ाम 19 अगस्त को है, और तीसरा एग्ज़ाम जो आपका आता है वो 9 सितंबर को है, फिर 16 सितंबर को है। और प्रत्येक दिन में दो दो इसके अंदर पारियां होगी एग्जाम के अंदर। अच्छा, एक बात, जैसे भी पीछे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था तो कुछ, जैसे आप न्यूज़पेपर भी पढ़ा करते थे तो आपने देखा होगा कुछ घटनाएं सामने आ रही थी। देखो, कुछ आपको रूल बताए गए तो आप उनकी पालना जरूर कीजिए। अब वहां जाके आप असुविधाओं का सामना कर रहे हो, अपने प्रवेश पत्र पे जो आपके रूल लिखे होते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, आभूषण नहीं पहने तो मत पहनो, कुछ जरूर थोड़ी है। कुछ रूल है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आप किसी भी, आपके सेंटर में जा रहे हो, देखो सेंटर अलग अलग आए हैं, पिछली बार तो क्या है जयपुर में लगभग सेंटर सब के आ रहे थे, तो इस बार क्या किसी का अलवर है, किसी का भरतपुर है, तो आप समय से पूर्व जाओ। जिसका एग्जाम 12 तारीख को है तो वो विद्यार्थी 10 को वहां पहुंच जाओ, सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि वहां जाके आप थोड़ा रेस्ट भी करो। और अब लास्ट का टाइम आपको स्पेंड कैसे करना है, अभी पेपर पे डिपेंड ही करता है आपका। और अब कई विद्यार्थी मुझे बार बार डिमांड कर रहे हैं, सर एग्जाम में क्या आएगा। देखो, मैं कोई, देखो आरपीसी कोई अध्यक्ष तो कोई हो नहीं, तो फिर भी ये मानना है कि आप एग्जाम के आधार को देख रहे हो, लगातार करंट अफेयर एग्जामिनर बार बार उठा रहा है, तो करंट अफेयर को आप अच्छे रूप से तैयार करो। एग्जामिनर क्या उठा रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, इनकी योजनाएं, करंट अफेयर को वो सबसे बड़ा आधार मान रहे हैं। आप करंट अफेयर को बराबर पढ़िए। अब आपके पास किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए और वो डीप से पढ़ने इतना मौका नहीं है अभी भी। आप जो एग्जाम भी, जिसका एग्जाम 12 को उसके पास अभी समय नहीं है, जिसका एग्जाम 19 तारीख को है, 9 सितंबर को है, 16 सितंबर को है, तो वो विद्यार्थी सुन ले, अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस सेट निकालो, क्वेश्चन क्लियर किया करो, उसके बारे में इसका क्लियर आंसर क्या होगा, जो आपका गाइडर है, मोटिवेशन जो आपका है, उनसे आप उसके बारे में क्लियर करो। क्लासेस वगैरह में जाके अभी अपने इतना समय ना खराब करें, और आप सेल्फ डिपेंडेंट अभी खुद की आप भी तैयारी करो। और अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप किसी क्लासेस में जाके आप क्लास अटेंड करो या किसी सब्जेक्ट को आप क्लियर करो, तो वो अभी आपके पास समय नहीं है। इसके अलावा यदि मैं आगे मैं और बात करना चाहूँ आपसे, जैसे दो चार आपके लिए मूलभूत जानकारियां जो आपको पूरी करनी चाहिए, एक तो आप अपनी आईडी साथ जरूर लेके जाओ। बहुत सी प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि बच्चे आईडी भूल गए और प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा एक या दो फोटो आपके साथ लेके जाओ। दिक्कत आप छोड़ो क्यों, आपको मना किया है कि आपको मौली नहीं बांधनी, आपको महिलाओं के लिए बता रखा है कि फुल बाजू सूट नहीं पहने तो मत पहनो, बिल्कुल सही, आप उसके अकॉर्डिंग जाओ ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप जाओ। ये आप पेन लेकर जाओ, पेन बाल पेन होना चाहिए, आर पर पारदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल लेके जाना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा। देखो, व्यवस्था सारी अपने बनाने से ही बनती है, और अव्यवस्था करने में भी अपनी ही भागीदारी होती है, तो व्यवस्था बनाने में भी अपना ही योगदान होगा, व्यवस्था बनाने में अपना ही योगदान इसके अंदर होगा, ठीक है। अब मान लो किसी विद्यार्थी का 12 को एग्जाम है, तो वो ऐसा नहीं है कि रात को 11 बजे वो 11 तारीख को यहां से अपने एग्जाम सेंटर को जा रहा है और वहां जाके ढूंढेगा मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ है। आप 2 दिन पहले इसके बारे में ज्ञात करो कि हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, और आपकी पूरी जानकारी वहां की ज्ञात करो, इस प्रकार आपका एग्जाम ठीक रहेगा। फिर आपकी डिमांड ये आ रही है सर कि बार बार कि करंट अफेयर कुछ करवा दो, तो करंट अफेयर के लिए अभी मुम्मल की गाइड आ रही है, शानदार आ रही है, संकल्प की क्रोनोलॉजी आ रही है, शानदार आ रही है, क्रोनोलॉजी आ रही है, बेस्ट है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं कोई स्पेशल मुम्मल या क्रोनोलॉजी के बारे में आपको मैं ना किसी को ऐड कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ जो भी आपको कोई ना कोई आधार मिलता है करंट अफेयर के लिए, चाहे कहीं से अखबार भी क्यों नहीं है, चाहे वो राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर, आप उसको पढ़िए। करंट अफेयर का कोई सबसे बड़ा माध्यम नहीं है, आप जहां भी आपको करंट अफेयर मिलता है, मैं तो ये मानता हूँ मार्केट से आप कुछ अखबार में ले खा रहे हो तो उसको एक बार उस अखबार को भी देख लो कि उसके ऊपर क्या है, जरूरी है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बात रहेगी। और जैसे अभी 12 तारीख को एग्जाम होगा तो ये एग्जाम अपने YouTube पे अवेलेबल कर देंगे, जो एग्जाम में है मैं सोलो करके एग्जाम डाल दूंगा। आगामी 19 तारीख का जिसका एग्जाम है, 9 सितंबर एग्जाम है, इनके लिए मेरा फुल प्रयास चल रहा है। जैसे अभी आपने डिमांड की सर उद्योग पूरा करवाइए, या इसके अलावा आप कल्चर की डिमांड कर रहे थे, कुछ लोग हिंदी की डिमांड कर रहे थे, संधि की डिमांड, देखो हिंदी अपनी पूरी यूट्यूब पे डाली हुई है, राय सर के माध्यम से लगभग डाल रखी है, कोई एक आधा टॉपिक नहीं है तो आप बता दो क्या नहीं है, कमेंट कर दो आप स्पेशल। वेबसाइट है अपनी gk@dpshrma.com के नाम से, वेबसाइट पे आप कमेंट कर दो, बता दो ये टॉपिक अवेलेबल नहीं है, मैं इसे पूरे कराने की पूरी कोशिश करूंगा।
हिंदी की वीडियोस लगभग है, बेनी वाल सर के माध्यम से भी आपको वीडियोस दी जा रही है, वो भी क्लियर है। इंग्लिश वीडियो आप मैं नहीं करा पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मेरे पास क्या है कि इंग्लिश की फैकल्टी नहीं बन पाई, इसलिए नहीं हो पाया था। आगामी एग्जाम में मेरा पूरा प्रयास है इंग्लिश की वीडियोज भी, मैं अभी मैं एक टीम तैयार कर रहा हूँ साइंस की और इंग्लिश की वीडियो जल्दी ही शुरू करूंगा। ये मान के चलो कि इस अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगी साइंस की, निश्चित है संतोष जी के माध्यम से मैं शुरू करवा दूंगा, ये भी हो जाएगा। फिर रही बात रीजनिंग वगैरह, देखो ये आप खुद कर सकते हो, इसमें क्लासेस कितनी लगा लो भले, और आपको और भी बहुत से सोशल मीडिया माध्यम मिल रहे हैं जहां आप ये सब कुछ कर सकते हो। रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री मैंने लगभग लगभग पूरी करवा दी, बताओ रे क्या आप खुद बताओ टॉपिक छोड़ा क्या है मैंने, एकीकरण वो पूरा करवा रखा है, क्रांति लगभग करवा रखी है, मुख्य मुख्य बातें हैं, प्रजामंडल एक बार नहीं दो बार करवा रखा है, अभी भी कमी है तो बताओ, इसके अलावा टॉपिक की राजवंश लगभग जो आपके एग्जाम में आएगा वो पार्ट मैंने लगभग डाल रखा है, मेवाड़ डाल रखा है, मारवाड़ डाल रखा है, गुर्जर प्रत्यार कंप्लीट डाल रखा है, हाँ चौहान नहीं है, चौहान ये डाल दी जल्दी डाल दिया जाएगा। बाकी लगभग ये मान के चलो मेरी लगभग 75% अबव हिस्ट्री यूट्यूब पर अवेलेबल है। रही बात ज्योग्राफी की, अभी दो दिन पहले कमेंट्स आए थे कि सर आप नदियां करवाइए, तो आप एक बार एक काम कीजिए, नदियां लगभग करवा रखी है, आज से नहीं 6 महीने पूर्व करवा रखी है, नदियां लगभग नदियां तैयार है, बनास नदी, लूणी नदी, आपकी चंबल लगभग नदियां तैयार है, लगभग झीलें करवा रखी है, वन्य जीव अभ्यारण करवा रखे है, खनिज का एक पार्ट डाल रखा है, एक और डाल दूंगा, और उद्योग करवा रखा है, राजस्थान के परिचय के जो आपको टॉपिक पार्ट हार्ड लगते हैं वो करवा रखा है, कोपेन करवा रखा है। अब आपको जो हार्ड लगता है तो मुझे आप कमेंट में बताइए सर ये टॉपिक चाहिए, आगामी एग्जाम को मैं धार मान के 19 अगस्त वाले को, 9 सितंबर वाले को, इस एग्जाम को धार मान के जो जो टॉपिक आपको चाहिए, चाहे वो हिंदी का है, चाहे वो मैथ्स का है, चाहे वो जीके का है, चाहे वो किसी का भी है, तो आप मुझे बताइए इसके बारे में, मैं जल्दी ही आपके सामने इसको लेकर आऊंगा। और मेरी तरफ से आप सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम से आराम से एग्जाम देके आना, रिलैक्स होके जाना है, और ये मान के चलो जिस दिन आपका एग्जाम है उससे आप कम से कम 20 घंटे पहले पूरे रिलैक्स हो जाइए, पढ़ाई पढ़ाई को छोड़ दो, जो पहले आपने पढ़ा है वही आपका ज्ञान काम आएगा। और बाकी मौके पे ये नहीं है भी आप 10 बजे आपका एग्जाम है, 9 बजे आप कोई गाड़ी उठा के घूम रहे हो, तो आप अपने दिमाग को खराब कर रहे हो, एग्जाम में आपका ये दिमाग बहुत खराब करेगा, मौके पे आपका ये दिमाग ही काम आएगा कि आपने इसका कितना कैसे यूज किया है। फिर से मेरा आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक, ओके।